हे गाइस कैसे हो। मेरे ख्याल से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के लोग हम बात करने वाले बहुत सारे से एनिमे अपडेट्स के बारे में, बहुत सारे से एनिमे न्यूज के बारे में। उसके साथ साथ नारुतो शिपुडेन के प्रोमो का मजाक बना के रख दिया है तमिल डबिंग आर्टिस्ट ने, और जेजेके फैंस के लिए बहुत बड़ी सैड न्यूज निकल के आ रही है। अब बहुत बड़ी सैड न्यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ले तुम्हारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है 2023 के मोस्ट पॉपुलर वाइफू के ऊपर। तो ये दो वाइफू है, वो है मिस्तुरी और नेजुको। आप लोग सही सुन रहे हो, हाँ मिस्तुरी को हम लोग वाइफू की तरह सब लोग देखते हैं, लेकिन नेजुको को ये क्या हो रहा है भैया। लाइक मतलब नेजुको को कैसे क्यों देख सकते हो यार तुम लोग। लाइक वो चुड़ैल बनती है, हाँ वो बड़ी बनती है, पावरफुल बनती है वाइफो की तरह मतलब है, बट इतनी गंदी नजर, इसलिए तो भाई इसे कलयुग कहा गया है भाई। ये क्या क्या देखना पड़ रहा है यार। मतलब तंजीरो जेनेस्तु भाई, मतलब अंदर से बाहर आ जाओ, एनिमे से बाहर आ जाओ, आपकी बहुत जरूरत है। अंदर कोई काम नहीं है आपका, बाहर डीमन बहुत घूम रहे। तो हमारा दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है अभी नारुतो शिपुडेन के तमिल डब के प्रोमो के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि कल नारुतो शिपुडेन के तमिल डब का प्रोमो देखने के लिए मिला था, और लिटरली गाइस मैंने सोचा था कि भाई साई सुनील सर मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि कल का जो प्रोमो था वो ट्रेलर था, हमें सुनने के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। बोल के मैं टीवी के सामने बैठ चुका था और मैं से बैठा हुआ था कि आजा ट्रेलर आजा, और उसके बाद मेरा ट्रेलर बैंड बजा गया। यानी कि इसे इंस्टाग्राम के ऊपर साई सुनील सर ने खुद दिखाया, और बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट ने इसे डब कर रखा था। लाइक सारे प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट थे, और वो सारे के सारे नारुतो शिपुडेन के ही के लिए अप्रिशिएट तो कर ही सकता हूं साई सुजीत सर के लिए, कि भाई साहब एकदम जबरदस्त मतलब ट्रेलर था, और भाई साहब उसके साथ साथ जो आवाजें थी भाई साहब वो सारी की सारी मतलब नारुतो शिपुडेन के तमिल डब के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। और हमें जो है ना नारुतो का जो नारुतो शिपुडेन के हिंदी डब का प्रोमो हमें जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि मार्च के महीने में देखने के लिए मिल सकता है। बोलो कि अपडेट निकल के आ रहा है, और मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका लिंक भी दे रखा है। और हमारा दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है वो भी ब्लू लॉक एनिमे के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लू लॉक एनिमे की जो न्यू मूवी है जो आने वाली है गाइस, उसे हमें अप्रैल 19 से यानी कि 19 अप्रैल से दिखाया जाएगा। बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उसके साथ साथ गाइस उसका थीम सॉन्ग भी रिवील हो चुका है, जाके आप लोग वॉच आउट कर सकते हो। उसे बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है इमेजिनरी मूवी के ऊपर। हाँ गाइस, द इमेजिनरी मूवी जो है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर हमें जल्द ही दिखाया जाने वाला है। उस मूवी को मतलब जल्द ही वो स्ट्रीम होने वाली है, बोल के मतलब अपडेट निकल के आया। तो जल्द ही हमें वो दिखाया जाएगा मतलब नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है वन पीस के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि वन पीस को जो है ना मतलब न्यू एपिसोड जो आने वाला है उसका ट्रेलर आ चुका है, यानी कि एपिसोड नंबर 1093 का जो है ना ट्रेलर आ चुका है, जिसके अंदर लॉ और ब्लैक बियर्ड की जो लड़ाई हो रही है ना भाई साहब, क्या ये बताऊं, उस ट्रेलर ने फाड़ दिया है। तो भाई साहब एपिसोड के अंदर बहुत सारे धमाल होने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब इंतजार कर लीजिए, जल्दी हमें एपिसोड देखने के लिए मिलने वाला। हमारा दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है वो भी चांसो मैन के ऑथर के मांगा के ऊपर, यानी कि जो चांसो मैन के जो क्रिएटर थे गाइस, उनकी जो मांगा है यानी कि लुक बैक जो मांगा है गाइस, उस मांगा का मतलब एनीमे एडाप्टेशन होने वाला है। बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है गाइस। तो ऑफिशियल मतलब कंफर्मेशन न्यूज नहीं है, लेकिन ये कंफर्म भी हो जाएगा आने वाले वक्त में। तो गाइस उसकी हमें एनीमे एडाप्टेशन देखने के लिए मिलने वाले, बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब बात कर लेते हमारे दूसरे एनीमे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है डीमन स्लेयर के मतलब हशिरा ट्रेनिंग गार की मूवी के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का ट्रेलर आ चुका है, वो भी क्रंची रोल के ऊपर। और गाइस इस मूवी को हमें हमारे इंडिया के अंदर यानी कि हमारे इंडिया के थिएटर मतलब सिनेमाघरों में थिएटर्स के अंदर हम लोगों को 23 फरवरी से दिखाया जाएगा। बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, और लिटरली गाइस इस मूवी का अलग ही हाइप चल रहा है। यानी कि अभी एक चीज सुनने में मिली थी कि गाइस इस मूवी को देख के ही बहुत सारे ऑडियंस ने ताली मारना शुरू कर दिया था। लाइक इस मूवी के अंदर ऐसा कोई चीज भी नहीं है, लाइक कि भाई साहब सीजन 3 के अंदर यानी कि जो हमारी जो आर्क थी लास्ट वाली आर्क, उसके अंदर हमें मिस्त्री के कुछ संतरे दिखाए गए थे, तो लोगों ने ताली बजाया था। लेकिन यहां कुछ क्या दिखाया जा रहा है मुझे नहीं पता भाई, कोई नंगा नाच कर रहा है क्या? मुझे भी देखना है मूवी को, मैं देखने जाऊंगा, इंटरेस्टिंग होगी ये मूवी। हमारा लास्ट एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है वो भी जुजुत्सु कैसन के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि जुजुत्सु कैसन के फैंस के लिए एक सैड न्यूज निकल के आ रही है, यानी कि जुजुत्सु कैसन के है ना बहुत सारे चैप्टर्स को लीक्स किया जाता था, यानी कि जुजुत्सु कैसन के बहुत सारे चैप्टर्स आने से पहले ही वो लीक हो जाते थे। तो गाइस जो लीक कर रहे थे यानी कि जो लीकर्स थे उनको अरेस्ट किया गया है, बोल के बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। यानी कि कुछ 3 फॉरेनर्स थे जो बहुत सारे मतलब मांगास को लीक करते थे, लीक
करते थे और वो जोशु कैसन के मतलब चैप्टर्स को भी लीक करते थे। तो गाइस जिसकी वजह से उनको अरेस्ट कर दिया गया है। लाइक हमें अब कोई लीक्स नहीं देखने के लिए मिलेगी जोशु कैसन के चैप्टर के अंदर बहुत सारे दिनों के लिए। तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई साहब अब कोई लीक्स हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी मतलब जोशु कैसन के आने वाले चैप्टर के ऊपर, तो आप लोगों को सिर्फ अब चैप्टर ही देखना पड़ेगा, जोशु कैसन का मतलब पढ़ना पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। अपने फेवरेट एनिमे का नाम, अपने फेवरेट कार्टून का नाम, अपने फेवरेट एनिमे सीरीज का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर से लाऊंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे एनिमे अपडेट्स और एनिमे न्यूज लाता रहूंगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते बायो।